हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज ओके अब पहले आता है कि क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सो इट कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरी ओके दैट इज वन इज नोन एज स्केलर एंड अनदर इज नोन एज वैक्टर क्वांटिटीज अब नाउ दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड सपोज टू के distance 5 meter so only they are telling about the result okay magnitude they are not telling about any direction such type quantities are known as scalar quantities but those having magnitude as well as direction so such type is known as your vector quantities vector quantities those having direction bhi hogi iska matlab ye nahi hai ki magnitude nahi hoga isme magnitude mein agar direction jod dete hain to scalar quantity is converting in your vector quantity okay अब now scalar और vector quantity में क्या और फर्क हुआ Scalar quantity के example जैसे हम लें distance ले लें numerical sorry length ले लें mass ले लें time ले लें ले, डेंसिटी ले लें वॉल्यूम ले लें स्पीड ले लें ऑल आर योर दीज आर योर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर हु दैट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम फोर्स ओके देन सच टाइप वेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट सो दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है अगर जैसे हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स को हम लिखने के लिए क्या करते हैं उसका सिंबल क्या बनाते हैं एफ बनाते हैं बट वी नो फोर्स इज ए वैक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे एक एरो बना के ऐसे लिखेंगे वेन वी विल डू इन दिस वे तो देन वी कैन से दिस फिजिकल क्वान्टिटी इज अवर वैक्टर क्वान्टिटी बट वेन वी आर राइटिंग ओनली सिंपल जैसे मान लीजिए जै डिस्टेंस है तो वी विल राइट ओनली एस इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इट इज़ योर स्केलर क्वान्टिटी अब स्केलर क्वान्टिटीज जो होती हैं इनमें जो आपको एड करना हो सबट्रैक करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो वो सब कुछ वैसे ही चलता है जैसा कि हम बचपन से अर्थमैथिक में पढ़ते हैं अर्थमैथिक मैथड में जैसे टू प्लस थ्री इजिकल टू फाइव थ्री माइनस टू इजिकल टू वन टू इंटू थ्री इजिकल टू सिक्स थ्री बाई टू इजिकल टू वन पॉइंट फाइव तो सिंपल मेथड जो होते हैं उनसे स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर हम दो स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो वही मैथड लगाएंगे जो हम लोग पढ़ते आए बट इन द केस ऑफ दीज वैक्टर क्वान्टिटीज़ इनमें जिनमें की हमारी डायरेक्शन थी तो डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ सिंबल आ गया था तो डायरेक्शन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी डिफरेंट एल्जबरा होती यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस वेक्टर एल्ज्रा वेक्टर कैलकुलेस कंप्लीट डिफरेंट जो होती है वो ओके सो इन दैट टाइम वेन एवर वी विल एड तो वी विल नॉट निग्लेक्ट डायरेक्शन डायरेक्शन को भी हम कंसिडर साथ, साथ करते रहेंगे ध्यान देते रहेंगे सो इन दिस वे वेक्टर क्वांटिटी जो वेक्टर एल्जेबरा है वो हमारी इस एल्जेबरिक जो अर्थमेटिक मेथड वाले जो हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट है ओके okay? और एज आई टोल्ड यू कि इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग बाय डिस्टेंस तो सिंपल एस यू विल राइट बट एस के ऊपर अगर आपने एरो लगा दिया तो ये डिस्टेंस नहीं रह गया ये डिसप्लेसमेंट हो गया सो इन दिस वे स्केलर क्वान्टिटी इज़ कन्वर्टिंग इन योर वैक्टर क्वान्टिटी बाई यू कंसिडरिंग Direction also. So, I hope so you understood this scalar quantities and vector quantities. Thank you.